इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री जाहिदा खान के घर के बाहर बैंक की पर्चियां मिली हैं, करोड़ों के लेन देन की कूड़े में पर्चियां मिली हैं और इलेक्शन कमीशन की टीम भी इस वक्त वहां पर छानबीन के लिए पहुंच चुकी है। सबसे पहले ये खबर हमने न्यूज 18 पर ब्रेक करी की थी और सबसे पहले और सबसे तेज ये तस्वीरें न्यूज 18 ने आपको दिखाई थी, जहां पर मंत्री जाहिदा खान के घर के बाहर से बैंक की पर्चियां मिली थी, जो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। कई बैंकों और विभागों के लेन देन की ये पर्चियां हैं। जाहिदा खान के घर के बाहर इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच चुकी है और अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बैंक की पर्चियां यहां कैसे आई हैं? चूंकि चुनावी साल है, कुछ ही वक्त में चुनाव होने वाले हैं, लगातार ईडी से लेकर आईटी की ओर से भी रेड डाले जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त एक्टिव है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पर्चियों का मिलना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और अगर हम डेट की बात करें तो सितंबर के तारीख यहां पर देखे जा रहे हैं। रोशन सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रोशन, सबसे पहले न्यूज 18 ने यह खबर ब्रेक की थी और जैसा कि खबर मिल रही है कि वहां पर इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच चुकी है, किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है इस वक्त वहां पर? देखिए बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की टीम अभी इस वक्त मौके के ऊपर पहुंच चुकी है और सर्च यहां पर चल रही है। कचरे के ढेर में क्या कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये खबर इस वजह से अहम होती है कि इसके ठीक सामने कचरा डंपिंग यार्ड के सामने जो वर्तमान में राज्य मंत्री है जाहिदा खान, उसका यहां पर घर है। साथ ही साथ में लगातार राजस्थान में ईडी और इनकम टैक्स की जो टीम है वो अलर्ट है। ऐसे में एक बड़ी मात्रा के अंदर जो नोटों के ऊपर जो रैपर जो लगे हुए होते हैं उनका मिलना, एक बैंक नहीं अलग अलग बैंक है इसमें, देखिए यूनियन बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है और भी इसके अलावा कई जो बैंकर यहां से इस कचरे के ढेर से ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले थे, जिस तरीके से जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन की टीम यहां पर हरकत में आई। आप यहां पर देखिए कि इस पूरे कचरे के जो कह सकते हैं कि डंपिंग यार्ड को भी यहां पर नगर निगम की टीम की मदद से इस पूरे कचरे को यहां पर जो जब्त करने की जो कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद में कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कह सकते हैं कि इनकम टैक्स और ईडी की टीम जिस तरीके से सक्रिय है। देखिए कल जिस तरीके से गणपति प्लाजा स्थित लॉकर के अंदर कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में सोना और नकदी मिले थे, उसके बाद में ये कई जो अहम इस तरीके की कह सकते हैं कि कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। ठीक मंत्री जाहिदा खान का यहां पर है, हमारे पर इलेक्शन कमीशन के यहां पर ऑफिसर मौजूद है। सर, किस तरीके की यहां पर अभी तक जो है यहाँ पर जो आपको जानकारी मिली है, क्या कुछ इनपुट मिला? हमें कलेक्ट्रेट से नकदी और ट्रांजेक्शन स्लिप होने की सूचना मिली थी। मौके पर आने के बाद किसी तरह की कोई नकदी नहीं मिली है, पुलिस टीम से चेक करवा लिया, मीडिया के सामने मौजूद थी। ट्रांजेक्शन स्लिप्स अभी आपके सामने गिरे हुए हैं, नगर निगम टीम को बुला के उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ अभी तक ये लगता है? देखिए ये तो जांच का विषय है, पुलिस इससे पहले ही आसपास के इलाके के अंदर सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालने में जुटी है। आखिर इस कचरे के अंदर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर जो नोटों के ऊपर जो पर्चियां होती है वो कहां से आई है, ये देखिए बड़ा सवाल है। और ये जो पर्चियां हैं ये सितंबर महीने की है, यहां पर सितंबर महीने के अंदर अलग अलग यहां पर डेट है, ये भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि तमाम जो जिन जिन बैंक की यहां पर देखिए जो पर्चियां हैं उनका यहां पर कह सकते हैं कि उस लेन देन की जो यहां पर जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश की जाएगी। देखिए नोट स्लिप से लेकर यहां तक कह सकते हैं कि तमाम जो बैंक है उनकी यहां पर पर्चियां मिली है। ये देखिए इस कह सकते हैं कि जो कचरे का ढेर है इससे कई जानकारियां कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार की यहां पर एक बड़ी खेप है उसका पता यहां पर चल सकता है कि आखिर देखिए पुलिस की जो टीम है आसपास की। ठीक है रोशन, तो अब इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जाएगी तो ये भी पता चलेगा कि इतनी बड़ी संख्या में ये पर्चियां यहां पर कैसे आई हैं। आप नजर बना रखिएगा रोशन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।